अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़। तो आज मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो बीए फॉरेन लैंग्वेज हो या बीए एलएलबी हो या बीए हो एमयू जामिया या जहां का भी आपका टारगेट हो, ये वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो इसका सही आंसर है बी, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बी आंसर है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जर्मनी, रशिया या यूएसए, आंसर है डी, यूएसए। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है सही सी, कनाडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946। तो इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी, सी महात्मा गांधी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है डी, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है सी, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सी, सर बी एन राव, सर बी एन राव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रशिया, इंडिया, फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड। इसका सही आंसर है डी, स्विट्ज़रलैंड, डी स्विट्ज़रलैंड। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म समाभव। इसका आंसर है ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, यूके, बी यूके इज द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, इसका सही आंसर क्या है? सी, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन, इसका सही आंसर है डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, डी इज द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडिया एज, इसका सही आंसर क्या है? ए, यूनियन, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द कन्वेंशन डेट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन, इसका आंसर है ए, यूके, ए यूके इज़ द राइट आंसर। इंडियन पीनल कोड केम इन टू ऑपरेशन इन, इसका सही आंसर है डी, 1862, 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर है ए, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई द, इसका सही आंसर है डी, एक्ट ऑफ 1939, एक्ट ऑफ 1939। वेन वॉज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, तो इसका सही आंसर है डी, 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन, इसका सही आंसर है, सबको पता है ए, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। द टर्म कास्ट वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम, इसका सही आंसर है ए, पोर्चुगीज, ए पोर्चुगीज। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, इसका सही आंसर है बी, कल्चरल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर,
इसका आंसर है ए, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, इसका आंसर है बी, 395 आर्टिकल्स। विच वॉज डिस्क्राइब बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सही आंसर है सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड, ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन, इसका सही आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, इसका आंसर है ए, यूएसए, ए, यूएसए इज द राइट आंसर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन्स मे चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ, बी इज द राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द, इसका सही आंसर है डी, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ, इसका सही आंसर है डी, ब्रिटेन, डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सही आंसर है बी, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका सही आंसर है सी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसका सही आंसर है क्वासी फेडरल, बी, क्वासी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन, इसका सही आंसर है सी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, इसका सही आंसर है ए, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु इज़ कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी, तो डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी, इसका सही आंसर है बी, पॉलिटिकल, बी, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सही आंसर है ए, द प्रीएम्बल, ए, द प्रीएम्बल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, आंसर है इसका सही सी, गवर्नमेंट, सी, गवर्नमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, इसका सही आंसर है डी, 1920।
द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, तो इसका सही आंसर है ए ब्रिटेन, ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन, इसका सही आंसर है बी स्विट्जरलैंड, बी स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज डैट इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़, इसका सही आंसर है सी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इज़ द राइट आंसर। ऑटोक्रेसी मीन्स, इसका सही आंसर है सी एब्सोल्यूट रूल बाय वन, एब्सोल्यूट रूल बाय वन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स, इसका सही आंसर है सी द किंग एक्सरसाइजेस पावर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम, इसका सही आंसर है बी यूके, बी यूके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग, तो इसका सही आंसर है बी 1946, 1946 इज़ द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया, तो इसका सही आंसर है रिप्रेजेंटेटिव, सी रिप्रेजेंटेटिव इज़ द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, इसका सही आंसर है बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, तो इसका सही आंसर है सी मनी बिल, मनी बिल इज द राइट आंसर। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो इसका आंसर है बी 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो इसका सही आंसर है डी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, इसका सही आंसर है बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ आ स्टेट बाय, इसका आंसर है ए अ सिंपल मेजॉरिटी, अ सिंपल मेजॉरिटी। विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, तो इसका सही आंसर है डी वी द पीपल, वी द पीपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिटिकल राइट, तो इसका सही आंसर है बी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू, तो इसका सही आंसर है सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड एज अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर है सी इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर है सी एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज। बढ़ते हैं आगे की तरफ, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका सही आंसर है सी 11, सी 11। द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू अ पार्लियामेंट इज अ बी, इसका आंसर है बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका आंसर है ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, इसका आंसर है डी नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, इसका सही आंसर है बी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका सही आंसर है सी 5, सी 5 इज द राइट आंसर।
विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो इसका सही आंसर है सी, पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ, तो इसका सही आंसर है सी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो इसका सही आंसर है डी, जुडिशरी. जुडिशरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो इसका आंसर है बी, आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसका सही आंसर है बी, पार्ट फोर्थ. पार्ट फोर्थ. फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, इसका सही है आंसर है 42nd Amendment. 42nd Amendment. अ सेकुलर स्टेट इज वन विच, इसका आंसर है ए, हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू, इसका सही आंसर है बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर है डी, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज अबव द एज ऑफ, इसका सही आंसर है बी, 14 ईयर्स. बी, 14 ईयर्स. पॉलिटिकल इक्वालिटी इज फाउंड इन, इसका सही आंसर है बी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज, तो इसका सही आंसर है बी, अ लीगल राइट. अ लीगल राइट. राइट टू वोट इज अ, इसका सही आंसर है ए, पॉलिटिकल राइट. पॉलिटिकल राइट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर इज लाइक द हर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर है ए, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी नाउ? तो इसका सही आंसर है ए, लीगल राइट. ए, लीगल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, द पीपल. द पीपल इज द राइट आंसर. पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही आंसर है बी, राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन्स टू कास्ट देयर वोट? इसका सही आंसर है ए, 18 ईयर्स. 18 ईयर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन्स थ्रू, इसका सही आंसर है सी, प्रीएम्बल. सी, प्रीएम्बल. द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज अ, आंसर है इसका ए, सिविल राइट. सिविल राइट इज द राइट आंसर. नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ, इसका सही आंसर है सी, सिविल ड्यूटी. सी, सिविल ड्यूटी. हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू. ए, जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूअल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ, इसका सही आंसर है फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द, इसका सही आंसर है सी, सिटीजन. सी, सिटीजन. इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट बिकॉज इन आवर कंट्री, इसका सही आंसर है ए, स्टेट हैज़ नो रिलीजन. स्टेट हैज़ नो रिलीजन. द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द, इसका सही आंसर है सी, राइट टू द पर्सनल लिबर्टी. राइट टू द पर्सनल लिबर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ,
इसका सही आंसर है ए 18 ईयर्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।